नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 765 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भी जमकर बरसे नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, ये माफिया कहते हैं कि हुजूर जान बख्श दो। पहले ही सरकारों में माफिया का काफिला देखकर नेता सहम जाते थे। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वे बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को हमें गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक ओर हम आए हैं और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था, आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें इस सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। तो वहीं लखनऊ पहुंचे नवरस कथा कोलाज फिल्म के स्टार कास्ट, जहां उन्होंने हमने स्टेट हेड अनिल के अंकुर के साथ खास बातचीत की है। आपको बता दें कि यह फिल्म समाज की कुरीतियों पर आधारित है। अब तक इस फिल्म को 51 पुरस्कार मिल चुके हैं। साथ ही फिल्म में जिंदगी के खास 9 रंगों को किया गया है। आपको बताते चले कि हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर से की एक खास रिपोर्ट देखिए। नवरस कथा कोलाज, नाम कुछ अजीब सा लगता है लेकिन इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर ध्रुपद प्रोडक्शन के तहत एक फिल्म बनी जिसने कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और पश्चिम बंगाल तक की पूरी यात्रा की, और इस कथा में एक एक क्षेत्र के बारे में एक एक लाइन टू लाइन, बैक टू बैक कहानियां ऐसी जुड़ती चली गई कि उसको देखने से बाद एक के बाद अगली कहानी क्या है इसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसी कहानी के बनाने वाले निर्माता निर्देशक प्रवीण हिंडोलिया जी हमारे बीच हैं। नमस्कार है, आपका मतलब स्वागत है। उसके साथ ही कहानी किस सब्जेक्ट पे है और कैसे मूव करती है, क्या करती है, इन तमाम बातों के लिए जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पूरी टीम के वो महत्वपूर्ण सारे कलाकार वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हम प्रवीण हिंडोलिया जी से पूछेंगे कि आखिर कहानी की थीम क्या है। प्रवीण गोनिया है और हमने ये जो फिल्म बनाई है नवरस कथा कोलाज, ये बेसिकली नवरस, 9 इमोशंस की 9 सामाजिक कुरीतियों का ताना बाना है और 9 कहानियां हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो ये 8 कहानियां क्यों घट रही है वो 9वीं कहानी में हमें पता चलता है। और
ये देश की पहली फिल्म है सर जिसने मतलब रिलीज से पहले अराउंड 58 अवार्ड जीते हैं। अभी 5 दिन पहले ही 15 सितंबर को हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज ने सात समंदर पार बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट अक्टूबर की फिल्म सारे सिनेप्लॉज में आपको बता दें कि एक साथ रिलीज होगी पूरे देश भर में, और जनता टीवी की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि आप इस तरीके से और अच्छी फिल्म जो कि कुरीतियों से लेकर के लोगों को। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में पशुपालकों और सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखी अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया है। बताते चले आपको कि जहां कुंभ 2025 को लेकर पशुपालकों से शहर के बाहर पशुपालन करने के लिए कहा गया, तो वहीं अब उन्हें नगर निगम से लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर पशुपालकों सपा नेता और कार्यकर्ता गायों के गले में पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में, एसएम आमिर की ये रिपोर्ट है। गौशालाओं को बाहर किया जा रहा है शहर से, अब इसका विरोध हो रहा है। बता दें, कहा जा रहा है कि कुंभ करीब है मगर गौशालाओं से गांव को यहां से बाहर ले जाया जा रहा है, जिससे अब उन्हें परेशानी का यहां लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे से सनी, सनी किस चीज को लेकर आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? गाय है, गले में है पोस्टर। देखिये, इलाहाबाद में जिस तरीके से जो पशुपालक भाई है वो कहीं ना कहीं जो अपने गाय और भैंस पाल करके जीविकोपार्जन करते हैं, आप देख सकते हैं कि 2005 में जो महाकुंभ होने वाला है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं इलाहाबाद से पशुपालकों को बाहर किया जा रहा है। जो गायों का लाइसेंस बनाया जाता था, उनकी लाइसेंस को बनाने में अब जो है रोक लगा दी गई है शासन की तरफ से। आप देखते होंगे कि कुत्ता पालने का आपको शहर में लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन गाय पालने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। उसी मांग को लेकर के आज हम लोग कहीं ना कहीं सारे पशुपालक एक होकर के गाय को, माननीय मुख्यमंत्री जहाँ गाय को संरक्षण देने की बात करते हैं, गौशाला खोलने की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाबा जी हैं उन तक हम लोग की आवाज पहुंचाने के लिए उन्हें हम लोग गाय दान करने के लिए जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, क्योंकि जब हमारी गाय को रखने यहाँ रखने नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग कहाँ रखेंगे आखिर। लगातार ये भी बात है कि कुत्ते तो घर में होते हैं मगर कई बार सड़कों पर जानवर होते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम जहाँ तक अगर सड़कों की बात है तो सड़कों पर अगर गाय निकल रही है तो सड़कों वाली गाय आप पकड़ लीजिए, उससे कोई किसी पशुपालक को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुत्तों से निकाल लिया जा रहा है, उन्हें इलीगल बोला जा रहा है गाय को। आप गाय को पाल नहीं सकते हैं, हम गाय को पालने की वकालत करने के लिए आए हैं, अगर सड़कों पर कहीं गाय मिल जाए तो उसको हम लोग खुद पकड़वाने का काम करेंगे। पशुपालक भी हम बात करेंगे, ये बताइए कितनी समस्या आप लोग? हम लोग के साथ बहुत समस्या है, भारी से भारी पैसा मांगा जाता है, 10,000-5,000 एक पशु पे। हाँ, हम लोग को दूध दूहने नहीं दिया जाता, साथ में आदमी रहता वो भी पकड़ लेते हैं, फिर उनके नगर निगम के जो कर्मचारी हैं आतापाई कर लेते हैं। मंत्री जी से क्या मांग कर? मंत्री जी से ही मांग करें, अगर गौ क्या लेसन नहीं बनेगा तो कुत्ते बिल्लियों को भी लेसन बनेगा। जी, हम उनसे मनमानी किया जा रहा है, उनके कर्मचारी हाथापाई कर ले रहे हैं, और हम तो अपने जानवर को रोड पर दूते हैं, एक किनारे दूते हैं, साथ में लेके जाते हैं, अगर वो रहते हैं तो मनमानी से अपनी जबरदस्ती से गुंडाई से वो लाद लेते हैं, और उनको छोड़ने पे हम बोलते हैं तो हमसे आंख मूंद करके पैसे की डिमांड करते हैं, और हमने उनसे बोलते हैं कि हम उनको इतना दे रहे हैं, तो कहते नहीं, तुम्हारे ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी और तुम्हारा मुकदमा कर दिया जाएगा। फिलहाल पैसे वसूले करने की भी आरोप लग रहे हैं, और साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से कुत्तों का भले ही लाइसेंस दिया जा रहा मगर गाय पालने के लिए जो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, हमें उसका विरोध है, और गाय को जिस तरह से लगातार शहर से बाहर करने की बात हो रही है, और साथ ही ऐसे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा जिसको लेकर ये आक्रोश है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टर गाय के गले में लटकाए गए हैं जिसमें लिखा है दूध दही घी गाय माता खाए और हमें घर से भगाए, योगी बाबा न्याय करो। आगे हम आपको और दिखाते हैं, आपके बच्चे को मैं दूध पिलाती हूँ, प्रयागराज वालों मेरी मदद करो, आपकी गौ माता, इस तरह के पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ सड़कों पर गाय खड़ी है, और आज जिला अधिकारी कार्यालय इन्हें ले जाया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ को दान किया जाएगा है, और इनकी मांग है कि अगर इन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है तो आगे ये और भी प्रदर्शन करेंगे। जहाँ एक तरफ महाकुंभ तो किया जा रहा है मगर गायों को शहर से बाहर भी किया जा रहा है, इसको लेकर ये विरोध है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जनपद फतेहपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एमएसएमई एमएसएमई खादी ग्राम उद्योगों एवं रेशम विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। वहीं उन्होंने सरकार की ओर से संचालित कई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी है और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो
देश में अगर किसी प्रदेश ने किया तो वो उत्तर प्रदेश है। और पिछले बार सितंबर में हम लोगों ने ट्रेड शो का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग ट्रेड शो में आए। 70 देशों से लोग, क्रेता और हमारे उद्यमी भाई आए, और लगभग 6,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ था। पूरे प्रदेश के एमएसएमई के उत्पादों का एक प्लेटफार्म में शोकेस करना और एक साथ ODOP से जुड़े जितने हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनके उत्पाद को एक साथ शोकेस करके, और जब पूरे देश विदेश का आदमी आता है तो बहुत सारे लोगों को ऑर्डर मिलते हैं और रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं भी रहती हैं और हमारा एक्सपोर्ट का भी व्यापार बढ़ता है। इस साल भी 25 तारीख से, मतलब आज 23 है, परसों उसका उद्घाटन हो रहा है, 25 से 29 ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये 5 दिन लगातार चलेगा। इसमें हमारे प्रदेश के विभागों का भी सहयोग है, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, बहुत सारे विभागों का भी स्टाल लगेगा और हमारे जितने भी MSME या 96 लाख इकाइयाँ उत्तर प्रदेश की हैं, तो जो भी हमारे उद्यमी हैं जिनका उत्पाद है वो सब अपना एक छतरी के नीचे शोकेस करेंगे पूरे उत्पाद। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का अपना ट्रेड शो प्रतिवर्ष आयोजन का 25 से 29 फिक्स तारीख कर दी है और ये देश का पहला प्रदेश है जो अपना ट्रेड शो कर रहा है। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। भाई याद है बीजेपी ते पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती, वो कौन सी वो स्किल स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो, हमारी जो लाइफ को सेटल करे हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। स्वागत है जनता टीवी में, तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद पूरे देश में प्रसाद को लेकर छापेमारी जारी है। प्रसाद को लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। जहां मिलावटी प्रसाद की जांच को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी में भी प्राचीन मंदिरों के बाहर लगने वाली प्रसाद की दुकानों पर सवाल खड़े होने लगे। इस सबके बीच मनकामेश्वर मठ मंदिर की महंत, आपको बताते चले कि मंदिर के गर्भगृह में बाहरी दुकानदारों से लाए हुए प्रसाद पर रोक लगा दी गई है, उनका ये कहना है। तो जिसके चलते जनता टीवी ने महंत दिव्या गिरी से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा है। तिरुपति में लड्डू विवाद के बाद से पूरे देश में जहां पर FSDA की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है और खास तौर से मंदिर के जो बाहर जो प्रसाद की दुकानें हैं वहां पर जो है नमूने लिए जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो है जगह जगह पर FSDA की टीम द्वारा जो है नमूने लिए जा रहे हैं, जाँच की जा रही है। इसी बीच मनकामेश्वर मंदिर की जो महंत हैं दिव्यागिरी, उन्होंने भी जो निर्देश दिए हैं यहाँ पर जो भी प्रसाद की दुकानें लगती हैं वहाँ से प्रसाद ना लाए, भक्त अपने घरों से प्रसाद लेकर के आए और हो सके तो सूखा मेवा जो है वो यहाँ पर मंदिर में ला करके गर्भगृह में प्रसाद चढ़ाएं। हमारे साथ बात करने के लिए महंत दिव्यागिरी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से ये लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और लगातार छापेमारी की जा रही है, अब चूंकि जब ये मामला गर्म हो गया तब उसके बाद छापेमारी शुरू हुई, क्या लगता है कि अगर समय समय पर ये छापेमारी चलती रही तो इस तरीके का विवाद उत्पन्न ही ना होता?
देखिए, हम बड़ा कदम तभी उठाते हैं जब बहुत बड़ी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है। हम लोग बीच बीच में अगर किसी चीज़ों को कहते हैं तो वो उतना ध्यानपूर्वक न सुनते हैं ना मानते हैं, परंतु ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जो हम खुद भी आहार के रूप में ले रहे हैं वो कैसे शुद्ध हो, और ख़ासकर हम जब देवता को भोग लगा रहे हैं तो वो कैसा हो। आप हिंदू धर्म में, अगर आपका जन्म है और आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि हम शाकाहार के नाम पर मांसाहार को ग्रहण करें। मुझे नहीं लगता है कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति ऐसा चाहेगा, तो उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये हम सारे लोगों का एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। आज इसी को लेते हुए हम लोगों ने एक अपील करी इस आग्रह के साथ में, क्योंकि हम लोगों का एक मुख्य दिन होता है सोमवार, तो आज के दिन भक्त भी आते हैं और ढेर सारे प्रसाद के तौर पे नाना प्रकार की सामग्री को भी लेके आते हैं। तो हाँ, आज हम लोगों ने सोचा कि उनको ये थोड़ा सा जागरूक किया जाए, और इसके तौर पे हम लोगों ने उनसे आग्रह किया लिखित तौर पे भी कि अगर आप जो घर से निर्मित प्रसाद ला सकते हैं, मगर उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार का जो घी है वो जब आप शुद्ध घी मांगेंगे तो वो शायद 1000 या 2000 रुपए किलो का होगा, या आप लाते भी होंगे नवरात्र या अन ओकेजन में, तो आप ये कह के लाते हैं कि नहीं घर के लिए चाहिए, तो व्यक्ति शुद्ध देता है। जब आप ये कहते हैं कि नहीं हमें पूजा के लिए चाहिए, तो वो 200 से 300 रुपए किलो आपको देता है। तो ये थोड़ा सा आपका माइंड सेट भी थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी कि आप पूजा के नाम पर सस्ता सामान ना लें। उन्होंने बताया कि अब आगे से जो भी यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालु आएंगे वो घर से ही बना हुआ प्रसाद लेकर के आएंगे, या फिर हो सके गर्भगृह में सूखे मेवा ही लेकर के आए प्रसाद स्वरूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिलावट है वो जरूर मंदिरों के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से शुद्धता नहीं, उस पर सवालों के घेरे पे हैं। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा, अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश में हो रही गौ हत्या को लेकर राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी आए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने कहा है कि हम 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से सरकार को कहना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जनता टीवी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और कहा है कि कई प्रदेशों में गौ हत्या स्थल विरोधी कानून बना है, कुछ प्रदेशों में गौ हत्या की खुली छूट है, ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आज वो कहते हुए नजर आए एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो भारत में गौ हत्या के लिए एक देश एक कानून क्यों नहीं बनाया जाता है, देखिए इस पर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने खास रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी है। महाराज जी, आज आपने एक अलग जलाई है गौ रक्षा को लेकर। ये अलग जन जन को जगानी पड़ेगी। भारत में जितने सनातन धर्मी हैं सब गाय को प्यार करते हैं, लेकिन उनको भुला दिया गया है, बरगला दिया गया है। लोग आश्वासन दे देते कि हम करेंगे, कर तो नहीं रहे हैं, 78 साल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अब बड़ी दृढ़ता के साथ हर सनातन धर्मी को खड़े होने की जरूरत है। महाराज जी, अभी कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भाजपा की तरफ से कहा गया है कि मुहर्रम में और ईद में सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। हाँ, हमने सुना। एक मिनट रोक लो भाई, जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं, तो ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 370 धारा हटा करके जो कश्मीर में गौ हत्या बंद थी उसको क्यों चालू करवा दिया, इसका जवाब हमको, हम हिंदुओं को चाहिए कि पहले वहाँ पर 370 धारा के अंतर्गत। एक आखिरी सवाल, तिरुपति महाराज में जो प्रसाद को लेकर इस समय बहुत हंगामा है, लोग कह रहे हैं वहाँ पे चर्बी मिला के जो है वहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा था। हाँ, ये सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य है और सबको बड़ा दुख है, सब लोगों के मन की गिलानी है, उसको लोग दूर कर रहे हैं पंचगव्य का प्राशन करने के लिए। यात्रियों ने निर्णय दिया महाराज जी, प्रसाद पे फिर से बता दीजिए कैमरा, बस हो गया, दोबारा नहीं बोलते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, शंकराचार्य हैं देश के 4 शंकराचार्यों में से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें हिंदुत्व पर कोई नहीं है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि जो लोग बैठे हैं सत्ता में वो हिंदुत्व की बात नहीं करते। मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो गौ रक्षा की बात नहीं होती है। अब इन्होंने कहा है कि वो गौ रक्षा यात्रा निकालेंगे, पूरे देश भर में गौ हत्या को रोकने के लिए मुहिम छेड़ेंगे, और इसी को लेकर फिलहाल आज उन्होंने यहाँ पर लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे और यहीं से अलग भी जलाई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार एसएम और बाइक में भिड़ंत, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे बाइक सवार को निकाला बाहर, मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती।
फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की हुई मौत, सूचना पर पहुंची आरपीएफ और थाना पुलिस ने की जांच पड़ताल। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की कार्रवाई में डकैत, ढेर पुलिस की कार्रवाई में से मचा हड़कंप, उन्नाव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। कनौज में वारंटी को गिरफ्तार करने में पुलिस का जब कारनामा, वारंट कटा किसी और के नाम का, गिरफ्तारी किया किसी और को, कोर्ट के गेट पर आधार चेक किया तो सामने आई सच्चाई। मिर्जापुर में 10 वर्षीय किशोर की हत्या पर मिट्टी में दफनाया शव, परिजन कर रहे थे खोजबीन, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। अलीगढ़ में सिर में गोली लगने से युवक की मौत, शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सीमेंट से भरे ट्रैक्टर को मारी है टक्कर, हादसे में बस का एक यात्री हुआ है घायल, बस चालक और कंडक्टर दोनों ही फरार। बरेली में बहन पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करना भाई को पड़ा है महंगा, दबंगों ने कक्षा 10 के छात्र को पीट कर उतारा मौत के घाट, घटना के बाद मौके से फरार चार आरोपी। अलीगढ़ के किसानों ने नकली डैप खाद के साथ दो युवकों को पकड़ा है, डैप की जांच प्राइवेट लैब में करवाई तो निकली नकली, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अमेठी के सुल्तानपुर डकैती कांड का यह पूरा मामला, एक और अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत, एनकाउंटर के बाद उनके घर पहुंच रहे ग्रामीण। रायबरेली में जिलाधिकारी ने ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश, अतिक्रमण होने के चलते नहीं हो पा रहा निर्माण। सहारनपुर में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में एक दिल दहला देने वाली घटना के सामने, कब्र से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया शव, पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में अज्ञात वाहनों ने गाय को मारी टक्कर, बड़े नाले में गिरने से गाय हुई घायल, नगर निगम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला है बाहर। इटावा में युवकों को नहीं है कानून का कोई खौफ, खुलेआम उड़ा रहे कानून की धज्जियां, तमंचा लहराते हुए बना रहे वीडियो, समाज में फैल रहे भय। फतेहपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने की है मारपीट, मारपीट में दो महिलाएं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की कर रही तलाश। रेलगाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश को लेकर सतर्क हुआ है बस्ती का प्रशासन, पुलिस और जीआरपी पुलिस भी कर रही पेट्रोल। आगरा में रसोई में काम करते हुए सिलेंडर में लगी भीषण आग, की चपेट में झुलसी महिला, अस्पताल में महिला को चल रहा इलाज। बाराबंकी में स्कूली बच्चे को वैन से किडनैप करने की कोशिश, 3 बदमाशों ने की है किडनैप करने की कोशिश, वैन से कूदकर तीनों बच्चों ने बचाई अपनी जान, पुलिस मामले की कर रही पड़ताल। आगरा में शराबी पति बना महिला की मौत का कारण, आए दिन शराब पीकर करता था मारपीट, महिला के परिवार वालों ने हत्या का लगाया आरोप। अलीगढ़ में शरारती लड़के युवती को राह चलते करते हैं परेशान, युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, परिजनों ने युवकों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी क्लिक ना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ, नमस्कार।